Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज की हमारी रेसिपी तंदूरी मोमोज है. सर्दियों में गर्मा गर्म मोमोज की बात ही अलग है. जिन्हें स्टीम मोमोज पसंद नहीं है या जो मोमोज कम पसंद करते हैं, आज वो भी ये तंदूरी मोमोज जरूर खाना पसंद करेंगे. वही तंदूर की खुशबू चटपटा बेहद टेस्टी हमारे मोमोज बनकर तैयार होंगे. वैसे तो मोमोज नेपाली रेसिपी है, लेकिन इंडिया में आने के बाद ये अलग अलग वैरायटी में कहीं तंदूरी स्टीम तो कहीं फ्राई, नॉनवेज वेज, इस तरह से न जाने कई वैरायटी में ये बदल गए हैं. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे. आज हम दो तरह से मोमोज बनाएंगे, एक तंदूरी पनीर मोमोज और एक दूसरी तंदूरी चीजी मोमोज. इन दोनों के लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए. वेजिटेबल के लिए हमने ये पत्ता गोभी बहुत ही मनहीन कद्दूकस कर लिया है. गाजर हमने एक गाजर कद्दूकस कर लिया है. शिमला मिर्चा महीन काट लिया है. प्याज और हरी मिर्ची महीन कटी हुई. वेजिटेबल में पानी होता है, इसके लिए पानी को निचोड़ने के लिए कि ताकि सारी सब्जियों में से पानी हमारा निकल जाए, इन्हें एक बाउल में डाल लेंगे सारी सब्जियों को. इन सब्जियों का पानी निचोड़ना काफी बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके मोमो अंदर से गीले बनेंगे. और इनमें हमें एक चम्मच नमक मिला देना है. इन सब्जियों को 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए. इसके बाद हमें इस आटा गूंद लेना है. आटा के लिए हमने 2 कटोरी मैदा लिया है. ये 500 ग्राम मैदा है. 500 ग्राम मैदे में 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इन्हें हमें ठंडे पानी से अच्छे से गूंद लेना है. बहुत ज्यादा नरम इसका आटा नहीं लगाना है हमें. जिस तरह से हम लोग पूड़ी का आटा लगाते हैं, उसी तरह से इसके आटे को भी तैयार करना है हमें. मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इसे गूंद लूंगी अच्छे से. इस डो को हमें 3 से 4 मिनट के लिए लगातार हमें इसे अच्छे से नरम कर लेना है गूंदते हुए. मैदे को गूंदते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गया है और ये मैदा हमारा ये नरम हो गया है. अब इसे हमें एक बाउल में रख देना है 10 मिनट के लिए ताकि ये मैदा हमारा डो रेस्ट हो जाए थोड़ा सा 10 मिनट के लिए. 20 मिनट हो गया है इन सब्जियों को रखे हुए. आइए इन्हें देख लेते हैं. और इनका पानी हमें एक कपड़ा ले लेंगे, साफ कपड़ा हमें ले लेना है. और अच्छे से हमें इसकी एक पोटली बना के इन सब्जियों को हमें निचोड़ लेना है अच्छे से. ये देखिए से इन सब्जियों में ये देखिए इतना अच्छा खासा पानी निकला है. इस पानी को आप फेंके नहीं, रोज की रोटी में अगर आप रोटी बना रहे हो या दाल कोई बना रहे हो उसमें डाल दें. और इन्हें हमें इस तरह से निकाल लेना है. 2 तरह का मुझे मोमोज बनाना है, उसके लिए मैंने ये चीज लिया है, मोजरेला चीज, जिसका मैं तंदूरी चीजी मोमोज बनाऊंगी. और ये मैंने पनीर लिया है जिसका मैं तंदूरी पनीर मोमोज बनाऊंगी. उसके लिए हमें 2 बाउल ले लेना है. सबसे पहले हमें ये पनीर वाला हमें तैयार करना है. उसके लिए हमें ये पनीर डाल लेना है. और इस पनीर में हमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 1/2 चम्मच कुकिंग वाला नमक जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं और 1/2 चम्मच काली मिर्च हमने डाल देना है.
और इसमें ये जो वेजिटेबल्स हमने निचोड़ करके रखा है ये मैं डाल दूंगी। ये 4 स्पून मैंने ये वेजिटेबल्स डाल दिया इसमें और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। आप चाहें अगर तीखा चटपटा और खाना है तो इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैं इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालूंगी क्योंकि मोमोस थोड़ा सा तीखा चटपटा बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें हमें 1 चम्मच बटर डाल देना है। बटर डालने से क्या है बहुत ही स्मूथ और अच्छा इसका स्टफिंग लगेगा। और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। ये हमारा पनीर वाला तैयार हो गया है। इस तरह से मोज़रेला चीज वाला तैयार कर लेना है हमें। और ये मैं 4 चम्मच भी इसमें भी डाल दूंगी सारे वेजिटेबल्स। अच्छा तीखे के लिए आप बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाला है और काली मिर्च भी डाल रही हूँ और कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी। इसमें भी 1/4 स्पून में कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और ये 1/4 स्पून काली मिर्च पिसा हुआ है और 1/4 स्पून नमक है। सब्जी को क्या पानी निचोड़ने के लिए भी मैंने इसमें नमक डाला है इसलिए बहुत ध्यान से। और 1 चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें आधा मैं मोज़रेला चीज इसके सब्जियों में डाल दूंगी और आधा मैं ऊपर से स्टफिंग में ऊपर से भरूंगी। और 1 चम्मच हमें इसमें भी बटर डाल देना है। आप बटर डाल के कभी भी मोमोज बना रहे हैं उसके स्टफिंग में बटर डालिए देखिए उसका बहुत ही सिल्की और स्मूथ बहुत ही अच्छा लगता है इसकी स्टफिंग में। लास्ट में मैं इसमें हरी धनिया थोड़ी सी डाल दूंगी और हरी धनिया ये पनीर वाले में भी मैं डाल दूंगी। इस तरह से ये मेरे दोनों स्टफ तैयार हो गए हैं चीज मोमोज के लिए और पनीर मोमोज के लिए। स्टफिंग के लिए हमारा सब तैयार हो गया है और आटा भी हमारा 10 मिनट हो गया है रेस्ट किए हुए। आइए इसको अब हमें बेल लेना है मोमोज के लिए। इस तरह से हमें ये छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेनी है। और इन लोइयों को हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। मोमोज में सबसे बड़ा काम ये इस तरह से बेल करके तैयार करना और इसको स्टफ करना ये बहुत बड़ा काम होता है। इस तरह से हमें किनारों पे हमें पतला रखना है। आप चाहे इस तरह से भी बेल लें इन किनारों को। ये किनारे हमारे पतले होने चाहिए और बीच में मोटा होना चाहिए। मैंने ये सारी पूड़ियों जैसी बेल ली है अब इनको हमें स्टफ करना है। सबसे पहले मैं पनीर का स्टफ करूंगी। 1 चम्मच मुझे ये पनीर का डाल लेना है। और इस तरह से हमें एक पोटली की शेप में हमें दे देना है। इस तरह से इन्हें अच्छे से हमें ये दबा देना है नहीं तो ये तेल में घुल जाएगा। इस तरह से हमें एक एक तैयार कर लेना है। इस तरह से ये मैं एक एक तैयार कर लूंगी। इस तरह से ये हमारे पनीर वाले तैयार हो गए हैं। अब मैं ये चीज वाला मोज़रेला चीज वाला तैयार कर लूंगी।
उसके लिए हमें ये जो मेज़ोरेला चीज मैंने ये सब्जियों में मिक्स करके रखा है उसे मैं ये डाल लूंगी, और ये मेज़ोरेला चीज जो मैंने बचा के रखा था वो इसमें ऊपर से डाल लेंगे, और इन्हें भी एक पोटली का आकार दे देना है हमें इस तरह से, हमें इनको भी तैयार कर लेना है। आप मोज़रेला चीज वाला ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से ऊपर से भी मोज़रेला चीज डाल देंगे और इसको भी। इस तरह से हमें ये सारे मोमोज तैयार कर लेने हैं। इस तरह से ये हमारे सारे मोमोज तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें डीप फ्राई करना है और लाइट गोल्डन कलर का हमें करना है। तेल हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। इस तरह से एक एक करके हमें, मैं सबसे पहले पनीर वाला डीप फ्राई कर लूंगी, और इसे ज्यादा हमें कलर नहीं देना है, लाइट गोल्डन कलर का हमें देना है, हल्का सा इसमें क्रंच आ जाए, इसीलिए मैं इसका डीप फ्राई को कर रही हूँ। इसको मैरिनेट करना है। इसको निकालने के बाद उसके लिए हमें दही ले लिया है हमने। दही हमने 2 चम्मच लिया है। दही में ध्यान दीजिएगा कि पानी ना हो, बिना पानी वाला दही हमें हंकड़ लेना है। और 1 चम्मच हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है इसमें, और 1 चम्मच हमें मस्टर्ड ऑयल डालना है, और आधा नींबू का रस में डाल दूंगी इसमें। आप इस तरह से तंदूरी मोमोज बना के देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। इसमें 1 चम्मच हमने मैगी मसाला, 1/2 चम्मच तंदूरी मसाला, 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हमने व्हाइट वाला नमक लिया है जो रोज कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, 1/4 स्पून हमने काला नमक लिया है, 1/4 स्पून हमने काली मिर्च लिया है, और 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च लिया है, और कलर के लिए हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, और 1 बड़ा चम्मच हमने भुना हुआ चना पाउडर लिया है। अगर भुना हुआ चना पाउडर नहीं है तो 1 चम्मच आप बेसन भी भून करके इसमें डाल सकते हैं। और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है, और इधर हमें अपने मोमो को भी देख लेना है, क्योंकि ज्यादा हमें इसको हल्का लाइट गोल्डन कलर का करना है हमें इसको। और इसमें हमें 1 से 2 चम्मच हमें हरी धनिया डाल देना है इसमें, और ये हमारे मोमोज हो गए हैं। इन्हें हमें निकाल लेना है। इस तरह से हमें ये दूसरा वाला भी मोमोज जो चीजी मोमोज है उन्हें भी फ्राई कर लेना है। इस तरह से ये हमारा मैरिनेशन वाला मसाला भी तैयार हो गया है, और ये भी हमारा चीजी मोमोज वाला भी फ्राई हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है, और इन्हें भी हमें निकाल लेना है। अब हमें एक पैन ले लेना है, उसे गरम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमें गरम कर लेना है। बैम्बो स्टिक भी लेनी है। सबसे पहले मैं ये चीज वाले पे मैं इस तरह से ये मसाला लगा लूंगी, और ये स्टिक में मैं इस तरह से एक एक लगा लूंगी। इस तरह से दूसरा भी हमें, इस तरह से ये अच्छे से हमें ये मसाले का कोटिंग इस पे चढ़ा लेना है। और इस तरह से ये हमारे 3 एक स्टिक में आ गए हैं, और ये मेरा पैन गरम हो गया है। इसमें मैं 1 से 2 चम्मच तेल डाल दूंगी, और इन्हें बहुत ही आराम से ध्यान से हमें इस तरह से इसको सेलो फ्राई कर लेना है। इसी तरह से मैं दूसरा भी स्टिक तैयार कर लूंगी।
आज बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ही मजा आने वाला है ये चीजी मोमो खाकर। इस तरह से ये भी मेरा तैयार हो गया है और इन्हें हमें चारों तरफ से लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है, ज्यादा हमें इसको डार्क नहीं करना है। और इसी तरह से हमें ये पनीर वाला भी इन मसालों में कोट कर लेना है अच्छे से और इसकी भी स्टिक तैयार कर लेनी है हमें। इस तरह से ये पनीर की भी स्टिक हमें तैयार कर लेनी है और हमें इन पे भी ध्यान देना है क्योंकि इन्हें हमें ज्यादा लाल नहीं करना है, हल्का हल्का सा कलर देना है हमें। चारों तरफ से सेक के हमें इन्हें निकाल लेना है। इस तरह से ये हमारे दोनों मोमोज तैयार हो गए हैं, चीज मोमोज और ये पनीर मोमोज। अब इन्हें हमें स्मोकी फ्लेवर देना है क्योंकि ये तंदूरी पनीर है तो इसलिए हमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने ये कोयले को लाल कर लिया है। और इस तरह से ये कटोरी में ये अल्मोनियम फॉइल लीजिए या एक कटोरी कोई ले लीजिए, उसके बीच में ये हमें रख देना है कोयले को और वन ड्रॉप हमें देसी घी या बटर डाल देना है और ये धुएं को हमें ये इसमें मोमोज में कवर कर देना है ताकि ये सारा धुआं इसमें अच्छे से हो आ जाए, तभी हमें स्मोकी फ्लेवर और एक तंदूर की भट्टी का जो फ्लेवर होता है वो मिलेगा। 3 से 4 मिनट में ये धुआं खत्म हो जाएगा, फिर इसे हमें कोल करके इसे सर्व कर लेना है। हमारी ये तंदूरी मोमोज तैयार हो गए हैं जिन्हें हमने दो तरह से तैयार किया है। इन दोनों का स्वाद अलग अलग और बेहद टेस्टी और स्मोकी फ्लेवर इस तंदूरी मोमोज को और भी यम्मी खुशबूदार बना रहा है। आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगी। मैं आप सभी व्यूवर्स को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी, आप सभी के प्यार ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया और प्यारे प्यारे कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता जाता है। आप इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें और मेरी छोटी सी इस कोशिश को कामयाबी की तरफ बढ़ाते रहें। दिल से थैंक्स और हमारे हंग्री स्पून चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का और खास तौर पे बेटियों का बेहद ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।